अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे। अच्छा नाज़रीन, दानिया शाह का इद्दत में बैठकर भी एक नया ड्रामा शुरू हो गया। उसने पहले तो अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ शादी की और फिर उसको जलील और रसुआ किया और दुनिया के सामने नंगा किया कि वो इंसान इतनी जिल्लत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला गया। और अब जो है ना उसके मरने के बाद इसको उसका एहसास हुआ है कि मैं कब्र कशाई कराऊंगी, मैं पता कराऊंगी कि उसकी मौत कैसे हुई। खुद तो ये इद्दत में है और इसने अपनी माँ को जो है ना वो अदालतों में छोड़ दी है ये पता ये करने के लिए कि कब्र कशाई कराएं, उसका अमर लियाकत का पोस्टमार्टम कराया जाए। तो वो माँ जो अभी तक बेटे की कब्र पे तो गई नहीं, क्योंकि एक इंटरव्यू में वो कह रही थी कि अमर लियाकत मेरा बेटा है, मैं पता करूंगी, हमें बहुत तकलीफ़ है, उसके मरने की तकलीफ़ है, लेकिन उसकी कब्र पे नहीं गई अभी तक बेटे की। तो ये देखे इन लोगों के ड्रामे। और फिर जो दानिया मलक है उसने अपने इंस्टाग्राम पे बुशरा अमर के ख़िलाफ़, जो कि अमर लियाकत की सबका बीवी है, उसके खिलाफ़ इतना जहर उगला है, उसको इतना बुरा भला बोला है कि वो एक लालची औरत है, वो दौलत के लिए सब कुछ कर रही है, वो उस वक्त सामने क्यों नहीं आई कि जब मीडिया के ऊपर अमर लियाकत की तस्वीरें जो है ना वो लीक हुई थी, तो वो डिप्रेशन में थे, तो अब ये बच्चों को लेके मीडिया पे आ गई हैं वो इसलिए कि दौलत के लालच में। अब ये देखें लालची तो ये खुद हैं, ये दौलत के लालच के लिए इतना कुछ कर रही हैं, क्योंकि जब वो ज़िंदा थे उस वक्त इसको इतना कुछ मिला, बहुत कुछ था, लेकिन इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिला। अब जबकि वो इस दुनिया से चला गया, अब ये उसको बच्चों को ब्लेम कर रही हैं और उनको अदालतों में घसीटने की कोशिश कर रही हैं। और जो है बुशरा, जिसको सारी दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो अमर लियाकत की सबका बीवियों कितनी नेक औरत है, कितनी बाबरता औरत है, उसने आज तक अमर लियाकत के बारे में कुछ भी नहीं बोला। अमर लियाकत को गंदा करने वाली ये है, अमर लियाकत को नंगा करने वाली ये है, और अब जो कुछ इसने खुद किया है वो सारे जो इल्ज़ाम है वो बुशरा बीबी पे थोप रही है। किस वजह से? सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी और उसके पास जो पैसा है वो सब। और अब ये उसके जो बच्चे हैं उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। इसने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कुछ बोला हुआ है जो कि मैं सब कुछ जो है ना कहना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि सब जानते हैं, जो बुशरा है उसको भी जानते हैं, वो देखे तूबा जो थी वो लग जा वो होगी, उसने कुछ भी नहीं ऐसा बोला। तो इस औरत ने खुद इतना नंगा किया, फिर इतना कुछ करने के बाद खुद काकी बन गई कि मैं तो अभी छोटी हूँ, पर सब जानते हैं। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप सबको पता है, आप बुशरा बीबी को भी जानते हैं और जो है ना इसको भी जानते हैं। अब ये फैसला आप करेंगे, अदालत जो फैसला करेगी वो तो करेगी, लेकिन आप सब भी ये फैसला करेंगे कि जो जो कुछ भी अमर लियाकत छोड़ के गए हैं उनके असल हकदार कौन है, उसके बच्चे या कि ये लालची औरत दानिया मलक जिसने अब अपनी माँ को इस मैदान में उतार दिया है। और अल्लाह पाक हम सब को, आपको, हमें हक और सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत दे, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने अपने बच्चों के साथ अपनी अपनी फैमिली में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियां देखनी नसीब करे, और हो सके तो खुशी से और दिल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होगी। और एक बात और, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में लिख दिया करें कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और कि क्या मिस्टेक है, और प्लीज़ मुझे बता दिया करें, तो इससे मैं बेहतर कर सकूँगी। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।